Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discuss about a beam of bending and its end when loaded in the middle. जब कोई beam जो है उसमें bending हम यहाँ पे find करते हैं beam of bending, वो beam of bending हम यहाँ पे find करते हैं जब उसके ends जो है उनके ends पे beam of bending होती है और इसके ends पे beam of bending find करते हैं जब उसका middle जो होता है वो loaded होता है किसी weight से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एक इस type से एक जो beam है हमारा, तो पहले इस condition में था एकदम जो rectangular condition है, फिर हम इस पे जो W है work load, इसको अगर हम जो load है weight है यहाँ पे जो applied करते हैं तो उसके बाद में ये इस type से curve हो जाता है। तो इस कर्व सरफेस को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं टू पार्ट में अगर इसको कन्वर्ट कर अगर इसको मैं यहाँ से टू पार्ट में डिवाइड करता हूं तो हम इसको दो उल्टे कॉन्टिलीवर के फॉर्म में देख सकते हैं। तो उससे पहले अब ये समझने से पहले आपको जो कॉन्टिलीवर है उसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो कॉन्टिलीवर पे हमने स्पेशली वीडियो बना रखा है, तो हमारी मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इसका जस्ट प्रीवियस वीडियो है। तो हम बात करते हैं कॉन्टिलीवर। तो कॉन्टिलीवर को एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कॉन्टिलीवर का मतलब होता है कि इस टाइप से हम किसी एक सरफेस को, बीम को अगर हम एक फिक्स सरफेस से ऐसे लटका दें और उस पर कुछ अगर हम जो वेट है वो अगर हम यहाँ पे लटका देते हैं तो ये जो बीम है इस टाइप से बेंड हो जाता है और इस वाले सेफ को हम कहते हैं कॉन्टिलीवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो उल्टे कॉन्टिलीवर मैंने क्यों कहा है, तो वो हम यहाँ पे समझते हैं उल्टे कॉन्टिलीवर का मतलब क्या है। यहाँ पे तो देख सकते हैं फर्स्ट कॉन्टिलीवर जो है वो ऐसे बन रहा है, मैं अगर इस वाले सरफेस को, ये वाली जो सरफेस है यहाँ से इस सरफेस को अगर मैं फिक्स सरफेस लेट करता हूँ, ये वाली जो आप सरफेस देख सकते हैं यहाँ से इस वाली सरफेस को अगर मैं यहाँ पे फिक्स सरफेस लेट करता हूँ, ये यहाँ से जहाँ से मैं अभी जो पेन है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से जो बीम है वो ऐसे बेंड हो रहा है और यहाँ पे W बाई टू वेट उस पर लग रहा है। अब ये W बाई टू कैसे हुआ वो भी समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे वेट जो है वो W अप्लाई किया है, तो जो ये वेट है ये मिडल में, एकदम मिडल में, तो जो मिडल में वेट होता है वो बराबर दोनों पार्ट में डिवाइड होगा। ओके, तो दोनों जो भी एंड्स होंगे इसके दोनों एंड्स पे यहाँ पे क्या होगा, बराबर पार्ट में, इक्वल पार्ट में यहाँ पे जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे भी सिरे पे भी W बाई टू हो जाएगा और यहाँ पे भी W बाई टू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस एक कॉन्टिलीवर को अगर सीधा बनाता हूँ तो ये कॉन्टिलीवर होगा हमारे पास में कुछ इस टाइप से। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास में जो बैंड हो रहा है वो इस टाइप से बैंड हो रहा है और यहाँ से हम इसको इस टाइप से ले लेंगे। W बाई टू जो इस पे जो है उसका वेट लग रहा है, हमको यहाँ से डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है कि इसमें कितना यहाँ से ट्विस्ट आया। फर्स्ट कंडीशन ये थी इसकी, सेकेंड कंडीशन में वो इतना मुड़ जाता है। अब ये जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ हम यहाँ से यहाँ तक की पूरी ये जो लेंथ है इसको हम एल लेट कर रहे हैं, तो ये वाली जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, एल बाई टू हो जाएगी। बिकॉज हमने क्या 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 कहा, हमने यहाँ पे इसको दो बराबर डिवाइड में दो इक्वल पार्ट में हमने यहाँ से इसको डिवाइड किया इस टाइप से, तो हमने ये हो जाएगा एल बाई टू लेंथ हो जाएगा और हम यहाँ से इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको जो डेल्टा है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है रिजिड बॉडी के लिए वो मैं बता देता हूँ कि डेल्टा इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन थ्री वाई आई जी। डब्ल्यू जो है वो इसका वेट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो ये होता है इसका वेट, और L जो है इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी, और यहाँ पे हम जो है आई जी जो है वो ज्योमेट्रिकल इसका मोमेंट होता है, उसको हम आगे अलग अलग के लिए फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले आप देखते हैं कि W को आपको रिप्लेस करना है W बाई टू से, क्योंकि हम वेट जो है हमारा एक के लिए अगर फाइंड करते हैं तो वो क्या है, W बाई टू है, और L जो है यहाँ पे उसको आपको रिप्लेस करना है L बाई टू से। तो आपका डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू W बाई टू, L हो जाएगा L बाई टू होल स्क्वायर अपॉन थ्री वाई आई जी। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आता है W अपॉन फोर, ये हो जाएगा इधर फोर और ये हो जाएगा फोर और नीचे हो जाएगा 48। तो इसको हम लिख लेंगे W L क्यूब अपॉन ये हो जाएगा 48 वाई आई जी। अब आई जी को क्या करना है, हमारा अलग अलग कंडीशन में फाइंड करना है। फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ से लेते हैं फॉर रेक्टेंगुलर फॉर रेक्टेंगुलर बीम। अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें कि ये बीम जो है वो आयताकार है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म के लिए याद रखें कि आई जी जो होता है वो बी डी क्यूब अपॉन 12 होता है। अब ये बी डी क्यूब अपॉन 12 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं इस वाले फॉर्म में इक्वेशन नंबर वन में, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, तो मैं इसे आगे स्लाइड पे लिख लेता हूँ। पुट द वैल्यू ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई जी फॉर रेक्टेंगुलर बीम,
हम रेक्टेंगुलर बीम के लिए वैल्यू पुट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू इनटू इक्वेशन नंबर वन। तो इक्वेशन नंबर वन में हम जब ये वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास में, देख सकते हैं यहाँ से ये आईजी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ वापस, ये जो दोनों फॉर्मूलाज हैं इन दोनों को हम आप आगे लिख लेते हैं। तो आईजी जो है आपके पास में फॉर रेक्टेंगुलर वो होता है बी डी क्यूब अपॉन 12, और आपके पास में इक्वेशन नंबर वन से जो जो डेल्टा की जो वैल्यू है वो मिलती है आपको डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन, ये हो जाएगा 48YIG। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो इसका स्क्वायर नहीं है, ये इसका क्यूब हो जाएगा। ओके, तब ये 48 के इक्वल होगा। तो ये इसका क्यूब है एंड यहाँ से हम फाइंड करेंगे आगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आई जी इसमें पुट करेंगे, देन डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48Y, ये हो जाएगा बी डी अपॉन 12 से हम इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन, ये आ जाएगा हमारे पास में 12 से जब हम इसको कट करेंगे तो 4 टाइम्स कट हो रहा है, तो 4Y बी डी क्यूब। इस टाइप से हमने किसके लिए फाइंड किया, रेक्ट एंगुलर के लिए, यानी कि अगर हमारा बीम जो है वो कैसा हो, आयताकार अगर हम बीम लें तो उस टाइम पर हम ये वाली कंडीशन में उसमें इतना डेल्टा जो होगा ट्विस्ट होगा इतना हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे सिलेंड्रिकल लेते हैं, बेलनाकार लेते हैं, सिलेंड्रिकल लेते हैं, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे आईजी की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। आर जो है वो उसकी रेडियस हो जाएगी और यहाँ पे एल जो है वो उसकी, यहाँ पे देख सकते हैं एल जो है यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, इसमें जो देख रहे हैं बी डी जो है वो उसका यहाँ पे लेंथ हो जाती है। ओके, तो ये वाला आप पुट करके देख सकते हो। अब हम क्या क्या कर रहे हैं, इसमें जो W है वो mg अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं W की, तो ये जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू mg l क्यूब अपॉन 4y bd क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारे पास में एकदम परफेक्ट वैल्यू आ गई फॉर रेक्टेंगुलर। ओके, अब हमको यहाँ से अगर यंग्स मॉडुलस भी फाइंड करना होता ना, तो हम यहाँ से यंग्स मॉडुलस भी फाइंड कर सकते हैं। तो हाउ कैन वी फाइंड द यंग्स मॉडुलस, देन y इज इक्वल टू mg l क्यूब अपॉन 4 bd क्यूब डेल्टा। तो डेल्टा को हम नीचे ले आएंगे, तो यहाँ से हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है, यंग्स मॉडुलस भी हम फाइंड कर सकते हैं किसी सिलेंड्रिकल जो या फिर जो आयताकार बीम होता है उसमें अगर हम एंडिंग से अगर हम इसको लोड करते हैं तो यहाँ से हम यंग्स मॉडुलस भी फाइंड कर सकते हैं। अब इस यंग्स मॉडुलस को हम एक प्रैक्टिकली फॉर्म में भी फाइंड करते हैं, उसका वीडियो हम अगले उसका जो है अगला नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आप समझ सकते हैं। बट अभी आप इतना ही समझें कि जो इस टाइप के जो एंड से जब हम इसको बांध देते हैं यहाँ से और यहाँ से इस पे जो है वो पर्टिकुलर इक्वल जो इस यहाँ पे वर्कलोड होगा W/2 W/2, हम जब इसको मिडल से एकदम बांधते हैं फिर हम इसको दो उल्टे कॉन्टिलीवर के रूप में देख सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पे जो कॉन्टिलीवर के जो फॉर्मूलाज होते हैं, क्योंकि हमने जो पिछला वीडियो अगर आपने हमारा देख रखा है तो ये वीडियो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये जो डेरिवेशन है अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।